रियाज साहब किधर चले गए? ये मुझे चीजें पकड़ा के कहीं गैप हो गए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। नाश्ते में क्या बनाने लगी हूँ? आलू वाला पराठा, हमारे घर में ये फेवरेट चीज है, ये ना आलू वाला पराठा बनाने लगी हूँ। आप देखना कि मैं ये टेढ़ा मेढ़ा बनाती हूँ कि सही बनाती हूँ। इसमें घी का बहुत खर्च होता है, ये देखो इतना ज्यादा मैं घी डाल दिया इसके अंदर। चले जी, मैंने बच्चों को नाश्ता करवा दिया है, अब मेरा काम जो रहता है वो सीना ने संभाल लिया। मैंने कहा ये मेरा थोड़ा स्वेटर है लूज, इसको मैं सिलाई लगा लूँ। अब मैं सिलाई लगाने लगी हूँ, जब मैंने मशीन को देखा तो इसके सिरकी के अंदर धागा नहीं था, धागा भर रही हूँ ये देखो। अब मैं इसके साथ ऐसे ही धागा लगा लेती हूँ, ये भरना तो ऐसे होता ना इसके साथ। मैं कहा अगर मैं मशीन चलाऊँगी तो मेरे प्यारे बहन भाइयों को मेरी आवाज़ भी समझ नहीं आएगी, आंटी और बाजी क्या कह रही है। मैं यही कह रही हूँ कि मैं फिरकी ये ऐसे खिड़की भर रही हूँ, स्वेटर को सिलाई लगानी है। मशीन तो मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी चलती है, अब मैं खिड़की भर के फिर मशीन चलाऊंगी। अब मैं सिलाई लगाने लगी हूँ। तो वैसे मुझे सिलाई करना नहीं आते, ये स्वेटर स्वेटर सिलाई कर लेती हूँ। दूसरी बात ये है, जान के बस तवज्जो नहीं देती हूँ, मैं सिलाई कपड़े कर लेती हूँ सिर्फ पजामे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल बहन भाई? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आज जुमातुल मुबारक है, सब बहन भाइयों को जुमातुल मुबारक हो। और देखते हैं बेगम साहब क्या कर रही है। मैं आया था बोतल लेने, सुबह नहीं ले गया था, जल्दी थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं भूल गया। मैं क्या जुमा पढ़ के आया हूँ, बहन भाई उसके सलाम दो कर लूँ। देखते हैं कल वाला बिजुल्ला बना है या नहीं बना, बना है तो मैं चेक करता हूँ, आपको चेक करता हूँ, आओ मेरे साथ है। एक बोतल में लेने आया था क्योंकि सुबह मैं ले नहीं गया था, सर्दी बड़ी थी, मुझे भूल गया, याद आ। देखते हैं बेगम साहब क्या कर रही है खाने का। हाँ जी मैडम साहब, कल वाला गज लेला किधर रहा है? क्यों आपको बिल्ली को खाप चुस रहे हैं? आपको ड्यूटी में चैन नहीं आया था, गजरेला खाना था ना, तैयार तो हो गया। इसमें ना वो क्या कहते हैं बादाम वगैरह डालने हैं, मेवे मेवे रह गए हैं, जो मेवे हैं वो डालने हैं, वो डालने हैं। अभी ये देखो पत तो गया बरलना, वो क्या कहते हैं मेवा डालना है इसमें, गरी और बादाम ये वाले डालने हैं। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, हमारे साथ साथ रहे, जब इसमें मेवा डालेंगे वो भी आपको दिखाएंगे, जब खाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे, हमारे साथ साथ। हाँ जी, अब मैं दाल का तड़का लगा रही हूँ, दाल को ना ये लहसुन कौन सी दाल बनाए आज लंगर बनाया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हमारी सपोर्ट पूरी पूरी हो रही है आज। सुबह दिखाते हैं मौसम बार का, दिखाएं जी आपको भी नजर आ रहा है, माशाल्लाह आपकी भी अच्छी नजर है, माशाल्लाह धूप तो नहीं निकली, बस सर्दी थोड़ी सी कम हो गई, धुंध वगैरह उतर गई है, रोशनी रोशनी हो गई है, वैसे सर्द बहुत है मौसम। पता नहीं क्या मसला है, सर पे खड़ी, पता नहीं क्या लेना है आपने, लगता है माल उसको लेना, क्या लेना? दिलबास ने इसने कहा था कि नए साल का तो मैं आपको अच्छा सा गिफ्ट दूंगा, वो मेरा गिफ्ट कहाँ है जो आपने गिफ्ट मुझे देना था? चेक कर ले, गिफ्ट आ गया। मुझे नहीं पता, अच्छा सा तो गिफ्ट दे जो मेरा फेवरेट हो। मैं ड्यूटी से जब वापस आऊंगा ना, मैं आपको गिफ्ट जरूर दूंगा, आपको बहन भैया को भी दिखाऊंगा क्या मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, नए साल का पता चल जाएगा ना, पता नहीं क्या गिफ्ट है। चले रियाज साहब, आप तो मुझे गिफ्ट ला के दो, या ना मैं आपको दे रही हूँ ये कैन भी। माशाल्लाह क्या पेप्सी है, पीने जो भी है। खोलो कैसे? खुला, मैंने ओपन करके दिया। अच्छा जी, एक घूंट तो लाए, एक घूंट, एक सीधी। बड़ा मजा आ गया यार, बहुत मजा आ गया, जायका तो बहुत अच्छा है। चल लाओ आप सलवार में नाला डाल दो। कौन सी सलवार? इसमें अच्छा इनका मतलब है ना बेटा, नहीं सुबह डाल के दिया था। मैं मेरा ड्रेस देखें कैसा है, ये ठीक लग रहा है? कई बहन भाई कह रहे थे आप कोट पहने,
कोट में सर्दी लगती है, इसमें सर्दी लगती है, ये है अच्छी बात। ये इसकी शादी किया है, ये देखो प्यारे बहन भाई कितने साल हो गए हमारी शादी। ये मैडम साहब ने संभाल के रखी है, खुश बड़ी खुश हो रही है, बार बार पहनता हूँ तो कहता अच्छी लगती है। जो चीज बेगम साहब को अच्छी लगे वो ही पहननी चाहिए ना। बिल्कुल ऐसा ही है, जो थक जाएगा वो पहले कौन बैठता पर चल जाता है। नहीं जी आपने चीटिंग की, इसने चीटिंग की है, चला ही नहीं, ये चला ही नहीं था। इसने चीटिंग की है, जब बंदा हार जाता है तो ऐसे ही कहता चीटिंग की है। नहीं आपने चीटिंग, जब बंदा हार जाता है हमेशा की बात है, जब इलेक्शन होता है ना वो ही कहते करप्शन होगी, करप्शन होगी। नहीं जी आपने चीटिंग, आप हार गए हो तो कहते चीटिंग हुई, चलो आप दोबारा कर लेते हैं। नहीं भैया चक्कर भी नहीं लगाया, ये चीटिंग है, मैं जीत गई, ये पास बहुत हो गया, अब मुझे गिफ्ट चाहिए। ओके हाँ जी मैंने गिफ्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करें क्योंकि एक दो घंटे की बात है, मैं जाना जा रहा हूँ, दुकानें खुलेंगी 3 बजे। आज आपने जल्दी आना है ना जी, बस मुझे छुट्टी होगी है, मैंने काम अपने पूरे खत्म कर लिया, छुट्टी होगी, जुमा पढ़ ली है, छुट्टी मुझे होगी है, सिर्फ मैंने पानी लाना है और गाड़ी को खड़ा करना है, आपको गिफ्ट लाना है। चलो ठीक है जल्दी जाए, बेसब्री से इंतजार करेंगे। ये डालो टोकरी में, ये जी रियाज साहब कल आया था मैंने निकाले नहीं, अब रेहान आया, रेहान टोकरी के अंदर डाल रहा है ये बनाना। चलें जी रेहान अब फुल होगी ना, ये देखो रेहान डाल रहा है, ये देखो ठीक है ना रेहान, आप ही की तरफ भी देखो, आप ही की तरफ देखो। चलें जी थैंक यू रेहान। पता नहीं रियाज साहब किधर चले गए, ये मुझे चीजें पकड़ा के कहीं गैप हो गए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मामू से हाँ जी लगता है कुछ करने गया हुआ रियाज साहब, ये पकड़ो रियाज साहब का हम वेट कर रहे हैं, रियाज साहब कहाँ चले, रियाज साहब कहाँ पे हैं पता नहीं, अब आ जाता है ना पूछते हैं कितनी जल्दी। ओ मैडम साहब मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया, तो ये आपका गिफ्ट आ गया। मुझे लगता है इसकी तस्वीर है, रियाज साहब आपकी तस्वीर है ये, मुझे लगता है रियाज साहब अकेले की है कि पता नहीं मेरी भी साथ हो पिक्चर, मुझे लग रहा है दोनों की पिक्चर है ये, देखो क्या है, मुझे लगता है ऐसे लग रहा है जैसे फ्रेम के बताना है ये क्या चीज है। सौदा में रख के चला गया था, दौड़ गया था, मैंने किसी बात नहीं की, मगर ये ना पूछे क्या लेने गए, मुझे पता चल गया ये हम दोनों की ना पिक्चर है, ये फ्रेम में लाया, मुझे भी ऐसा लग रहा है रियाज साहब की और इनकी तस्वीर है दोनों की। हाँ जी मुझे भी ऐसा लग रहा है। रियाज इसके अंदर क्या है बताओ, आप बताओ क्या है इसके अंदर, तस्वीर है क्या चीज है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर, क्या है रियाज साहब की तस्वीर है इसके अंदर। प्यारे बहन भाई देखते हैं ये रियाज साहब मेरे लिए क्या लाया है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हमारी दोनों की तस्वीर है, ये फ्रेम में ये फिल करके लाया, आप देखते हैं ये क्या है। जो भी है कबूल करना, नहीं तो खोलना नहीं। रियान अनबॉक्सिंग करें, रियान इसको खींचे, रियान इसको खींच लो, इसे अखबार में लो, फाड़ लो अखबार, ले लो खींचो, अखबार खींच लो। चलो जी हम भी करते हैं बिस्मिल्लाह, ये रियान का कर दिया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये क्या है रियाज साहब, ये नहीं जी आपने चीटिंग की है, चीटिंग की है, ये क्या गेम है, मुझे पहले ही पता था इसने घर की कोई ना कोई चीज लानी है, जो चीज मुझे मिली है ना कबूल कर लो बस। अरे बन बन हमें दे इजाजत, दुआओं में रखे याद अल्लाह हाफिज। रियाज साहब आप बस इजाजत लो, बस ले तो इजाजत लो, मैं तो इजाजत ले रहा हूँ, ठीक है जी, कैसा लगा बताना। Yeah.